जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बनने के बाद से ही मनोज सिन्हा देश के इस खूबसूरत हिस्से की समस्याओं को दूर करने में जुट गए हैं। उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद मनोज सिन्हा दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने आए थे। इसके बाद फिर वो जम्मू कश्मीर लौटकर वहां सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में मनोज सिन्हा ने बुधवार को श्रीनगर में लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ पहली बैठक की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था। मनोज सिन्हा के संग इस बैठक में करीब 200 निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा मनोज सिन्हा को अपनी समस्याओं की जानकारी दी गई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में तमाम बातें सुनने के बाद मनोज सिन्हा ने कहा कि उनके दरवाजे सभी के लिए 24 घंटे खुले हैं, कोई भी कभी भी उनसे मिलने आ सकता है। उन्होंने मौजूद लोगों को जम्मू कश्मीर के लिए पीएम मोदी के विजन की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मैं यहां से 1 रुपया लेकर नहीं जाऊंगा और प्रदेश के लिए आया सारा पैसा यही के विकास के काम में लगेगा। उन्होंने मोदी सरकार की जीरो करप्शन नीति के संदर्भ में कहा कि किसी कीमत पर यहां भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। उन्होंने प्रतिनिधियों का वेतन बढ़ाए जाने का आश्वासन देते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार से बात की जाएगी। हमारी ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।